उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का रन आज शुरू हो गया है। बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तो चौथे चरण के 59 सीटों पर मतदान जारी है। इन सीटों में लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं और इस वक्त हम लोग लखनऊ मध्य के एक बूथ पर मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि पूर्ण रूप से कोविड हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है, जिससे जो भी लोग यहां पर मतदान करने आ रहे हैं वो अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर रहे हैं। वहीं अगर विकलांगों की बात की जाए तो यहाँ पर उनके लिए व्हील चेयर भी मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था मैं आपको दिखा दूँ कि पूर्ण रूप से सुचारू ढंग से जो मतदान है उसको सकुशल सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी लखनऊ कमिश्नरेट के कंधों पर है। साथ ही साथ जो अन्य दल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें मतदान की तो किसी भी हालत में 100% मतदान हो सके, इसके लिए जो तैयारियाँ हैं वो पहले से की गई थी, तमाम जागरूकता अभियान चलाए गए थे। और आखिरकार जो निष्कर्ष मैं आपको दिखाऊं कि लंबी कतार है मतदाताओं की, यहाँ पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और एक नई सरकार चुनने में उनका जो विजन है वो सामने आएगा। लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देने आए? विकास के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए और सबसे ज़्यादा जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसके भविष्य के लिए। देखा जाए तो जो नई सरकार होगी उससे क्या उम्मीद रहेगी, क्योंकि खुद आप एक युवा हैं? सर, रोज़गार सबसे बड़ी हमारी जो डिमांड होगी। तो कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा, रोज़गार का मुद्दा, यही सबके दिमाग में है और लोग वोट करने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी लखनऊ का मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ कि महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, तमाम लोग हैं और साफ तौर पर जो विकास का मुद्दा उत्तर प्रदेश में है उसी को लेकर ये लोग वोट करने आ रहे हैं। कुछ महिला मतदाता भी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देने आए? हर औरतों के लिए सबसे ज़्यादा हो और भी हर मौजूदा सरकार है, क्या लगता है उसने महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ किया है? ये तो बताना मुश्किल है क्या कुछ किया नहीं है, लेकिन जहाँ तक कोशिश होती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज़्यादा। नई सरकार से क्या उम्मीदें रहेंगी? नई सरकार से यही उम्मीदें हैं कि महिलाओं के लिए सुरक्षा हो। महिला सुरक्षा जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा हुआ है उत्तर प्रदेश में, और बात करें लखनऊ में तो लखनऊ में भी ये चीज़ निकल कर सामने आ रही है। तस्वीरें मैं आपको बूथ की दिखा दूं कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है, किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो, अनहोनी ना हो, इसके लिए जो लखनऊ कमिश्नरेट है उसके तमाम जवान यहाँ पर मुस्तैद खड़े हुए हैं। लगातार लोग आकर वोट दे रहे हैं और ये तस्वीरें हैं बूथ की जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लोग यहाँ पर आकर वोट कर रहे हैं ईवीएम के थ्रू, वीवीपैट पे नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो सकुशल मतदान कराना है वो एक बड़ी जिम्मेदारी थी कंधों पर, वो अब तक सार्थक होती हुई नज़र आ रही है। सर, देखा जाए तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देने आए? ये तो अपना फ़र्ज है, इसलिए फ़र्ज अदा कर रहे हैं। कोई तो मुद्दे ध्यान में रहेंगे? मुद्दा कोई नहीं है अपना, अपना तो मुद्दा बस यही है, कमाओ खाओ ऐश करो, और क्या मुद्दा? जो भी नई सरकार होगी उससे क्या उम्मीद रहेगी? सरकार से हम लोगों को क्या उम्मीद है, बस जो राशन पानी मिलता है वो मिलता रहेगा, और कौन सरकार हमारे घर थोड़ी आएगी। तो जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए लोग लगातार बाहर निकल कर घरों से आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए लखनऊ की तो 9 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। इनमें अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो 8 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, 1 समाजवादी पार्टी के खेमे में है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो मतदान है वो कराया जा रहा है। और देखने वाली बात ये होगी कि 10 मार्च को जब मतगणना होगी तो जनता का साथ किस राजनीतिक दल को जाता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 59 सीटों पर मतदान जारी है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। बात करें लखनऊ की तो इस वक्त हम लोग लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि बड़ी संख्या में लोग आकर मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और ये वो महिला वोटर्स हैं जो अभी अभी वोट देकर बाहर आई हैं और उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मैं हूँ डॉक्टर ईरा त्रिपाठी। मैम, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट करने गई थी? वुमेन सेफ्टी जैसे बता रहे हैं तो क्योंकि बहुत इस मतलब जब से सरकार है, प्रेजेंट सरकार, तब से हम लोग बहुत सेफ़ फील करते हैं और जो इनके पिंक बूथ हैं और इनके अप की वजह से हम लोग के अच्छा है, मतलब दिस गवर्नमेंट इज़ गुड फॉर अस। मैम, देखा जाए तो जो भी नई सरकार बनेगी उससे क्या उम्मीदें रहेंगी आपकी? आई थिंक एम्प्लॉयमेंट और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स थोड़ा सा अभी भी इंटीरियर्स में कहीं कहीं कुछ इलाकों में अच्छी नहीं है, तो ये दो मेरे पॉइंट्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हैं, साथ ही साथ बात कर रही हैं कि सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं जो महिला सुरक्षा है वो एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए मौजूदा सरकार की तो काफ़ी दावे किए गए कि महिला सुरक्षा पर काफ़ी काम हुआ है। और भी वोटर्स से हम उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मीना त्रिपाठी। मीना जी, कई सरकारें आपने देखी होंगी, आज आपने अपने वोट का
वोट किया है, क्या कहना चाहेंगी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट किया है और जो नई सरकार होगी उससे क्या उम्मीदें रहेंगी? मेरा तो यह है कि एक तो गरीबों की इन्होंने बहुत अच्छा किया है गरीबों के लिए, दूसरा रोजगार के लिए मैं बहुत पहल करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है तो मेरा बेटा बाहर है, तो मैं चाहती हूँ कि रोजगार इस तरह मिले कि लखनऊ में ही हमारे साथ रहे। तो और ये है, उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात की जा रही है, रोजगार का मुद्दा निखर कर सामने आ रहा है, और भी एक बुजुर्ग महिला है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या लगता है किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट किया? हम ये चाहते हैं कि बच्चों को सुरक्षा मिले, सबको रोजगार मिले और किसी को कोई परेशानी ना हो, और क्या कहते हैं आप ऐसा जो सरकार है वही आगे तक बन रहे। तो मौजूदा सरकार के पक्ष में लोग निकल कर सामने आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो भी सरकार अभी मौजूदा में उत्तर प्रदेश में है वो आगे भी निरंतर रहे, लेकिन अगर 10 मार्च की बात की जाए तो ये साफ हो जाएगा 10 मार्च को कि किसकी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा। बहरहाल तस्वीरें मैं आपको मतदान की दिखा रहा हूँ कि भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि जो उनका कर्तव्य है उसका निर्वहन कर सकें। लखनऊ मोंडेसरी स्कूल की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, लखनऊ का एक पॉश इलाका इसके अंतर्गत आता है, तो कुल मिलाकर जो भीड़ है वो सुबह सुबह निकल कर सामने आई है, और कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है, जो चुनाव आयोग है, उसकी कहीं ना कहीं ये अपील थी कि शत प्रतिशत मतदान हो सके, उसकी तैयारियाँ भी हर तरह से की गई, जागरूकता अभियान चलाए गए, कहीं ना कहीं जो लोग थे उनको जागरूक किया गया, और अब वो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं जब लोग यहाँ पर आकर वोट कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी रूप से चाक चौबंद रख दी गई है, क्योंकि लखनऊ कमिश्नरेट के ऊपर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो है, पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। बाहर अगर तस्वीरों में आपको दिखा दूँ कि जो लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी सोच है और किन मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर वोट करने आए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करने आए हैं? मेरा ये मानना है कि स्वच्छ प्रशासन ठीक है, और जन जन तक सरकार की सुविधाओं को, सरकार द्वारा जो योजनाएं होती पहुंचे, ये मेरा मेन उद्देश्य है। 100% पहुंचे, विकास हो, सुरक्षा हो, रोजगार हो, ये मेरा मानना है। जो भी नई सरकार आएगी उससे भी कई उम्मीदें आपको रहेंगी, क्या उम्मीदें हैं उनसे? अच्छा उम्मीद है, बढ़िया स्वच्छ प्रशासन चलेगा और जनता खुशहाल रहेगी। तो जनता खुशहाल और विकास को ध्यान में रखकर लोग वोट करने आए हैं, तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट करने आए हैं। युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, अगर देखा जाए तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? सबसे बड़ा तो काम है बेरोजगारी, 5 सालों में केवल बर्बादी हुई है, कोई रोजगार नहीं हुआ है। तो जो भी नई सरकार आएगी उससे क्या उम्मीद रहेगी? कम से कम रोजगार तो देगी। रोजगार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है, शायद यही वजह है कि जो युवा हैं वो रोजगार को ध्यान में रखकर वोट करेंगे, और लगातार जो लोग हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी नई सरकार आएगी वो तमाम विषयों पर उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो सख्त प्रशासन हो, तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं उनको लोग ध्यान में रखकर वोट करने आए हैं। कुछ महिला वोटर्स भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करने आई हैं? मेरे लिए तो विकास मुद्दा है, और देश का विकास देश की ज़रूरतों के हिसाब से करने का। जो भी नई सरकार आएगी 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, उससे क्या उम्मीद रखेंगी जनता के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए? जनता के हितों की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है, और विकास, रोजगार, युवाओं को एक नई लीडरशिप देने के रास्ते खोलना, शिक्षा और स्वास्थ्य की सबसे अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जितने भी मुद्दे आपने बताए, क्या लगता है मौजूदा सरकार ने इन पर काम किया है? मैं इस पर बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। कुल मिलाकर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि विकास एक बड़ा मुद्दा होगा, रोजगार मुद्दा होगा, शिक्षा मुद्दा होगा, और जो भी इन सारे मुद्दों पर बात करेगा, इन सारे मुद्दों के लिए काम करेगा, सरकार उसी की बनेगी, मत उसी को दिया जाएगा। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं? सर जी, महंगाई कम हो जाए और रोजगार हम लोग को मिले, गरीब आदमियों को बस। तो महंगाई और रोजगार की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। बहरहाल मैं आपको बूथ की भी तस्वीर दिखा दूं कि भारी मात्रा में जो वोटर्स हैं वो अंदर मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और साफ तौर पर इनका ये कहना है
जो भी लोग यहाँ पर आए हैं कहीं ना कहीं विकास की बातें हैं, रोजगार की बातें हैं, मुद्दों की बातें हैं, और इन सारे मुद्दों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भी नई सरकार आएगी उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि जनता उसके राज्य में खुशहाल रहे, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, साथ ही साथ जो विकास है उत्तर प्रदेश में वो निरंतर बेहतर रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो भी नई सरकार आएगी उसके लिए ये मुद्दों पर काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा। नम्रता पाठक जी हमारे साथ हैं। मैम, वोट देने आई हैं, क्या मुद्दे रहेंगे ध्यान में? देखिए, हम तो 5 साल सरकार में रहे हैं, मुद्दे हमारे पास हैं नहीं। अगर कुछ समस्याएं होंगी तो मेरी सरकार पुनः बनने के बाद हम उन समस्याओं को दूर करेंगे। प्रचार में लगातार आपने मेहनत की, क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आया? अरे, महिलाएं तो इतनी निकली हैं, लोगों ने हाथों हाथ लिया है। आप समझ लीजिए, प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी बना रही है। तो प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी बना रही है, साफ तौर पर नम्रता पाठक का ये कहना है। बात करें ब्रजेश पाठक की, तो लखनऊ कैंट से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। तमाम तरीके की जो उन्होंने जनसंपर्क किए हैं उसके बाद जो नम्रता पाठक जी हैं वो भी उनके जनसंपर्क में थी, तो कहीं ना कहीं जो जीत है वो इनको सुनिश्चित नजर आ रही है। देखने वाली बात ये होगी 10 मार्च को क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, लगातार प्रचार किया आपने, आज वोट कास्ट किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, समाज के लोग बीजेपी के साथ हैं और आप देख रहे हैं प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। अन्य राजनीतिक दल बराबर मतलब नहीं है, आप परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। साफ तौर पर ब्रजेश पाठक जी का ये कहना है, जिस तरीके से प्रचार किया गया कहीं ना कहीं जो लय है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है, और कहा यह जा सकता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा ब्रजेश पाठक का कहना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जनता का कितना समर्थन जाता है। अभिषेक लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।